आपसे पूछने जा रही हूँ कि हम लोग होलिका दहन क्यों मनाते हैं। और हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि शायद हो सकता है मम्मा कुछ ऐसी बातें बताएं जो आपको पता नहीं होंगी। तो चलिए चलते हैं। मम्मा, होलिका दहन क्यों मनाते हैं? बिल्कुल, होलिका दहन बहुत समय पहले की बात है। राक्षसों के राजा थे हिरण्यकश्यपु। तो वो एक दिन तपस्या करने के लिए गए, ब्रह्मा जी को मनाने के लिए तपस्या कर रहे थे कि वो किसी तरह से बस तीनों लोगों को जीत सके। तो इस तरह से जब वो तपस्या करने गए ब्रह्मा जी की, तभी उस समय राजाओं ने, देवताओं ने उनके राज्य में हमला कर दिया। देवता राज्य थे, उन्होंने उनके राज्य में हमला कर दिया। फिर नारद मुनि जो हैं वो गए उनके राज्य में, और फिर उनकी जो पत्नी थी हिरण्यकश्यपु की पत्नी, उसे वो अपने साथ अपने आश्रम ले गए, क्योंकि प्रहलाद उस समय, प्रहलाद का जन्म नहीं हुआ था, वो माता के अंदर थे। तो जब नारद ऋषि उनको अपने आश्रम ले गए, तब नारद ऋषि हर रोज उनको खूब अच्छी अच्छी बातें बताते थे। किसकी? विष्णु भगवान की। विष्णु भगवान की खूब पूजा करते थे, उनका खूब गुणगान करते थे। तो प्रहलाद अंदर ही से सारी बातें सुना करते थे भगवान विष्णु के बारे में, कि भगवान विष्णु इतना अच्छा काम करते हैं, सबका ख्याल रखते हैं, सबकी भलाई करते हैं। तो वो पूरा उनके विष्णु भगवान के बारे में नारद मुनि से सुना करते थे। जब हिरण्यकश्यपु वापस आए, तो साथ में वो अपनी पत्नी को भी लेकर के आए नारद मुनि के आश्रम से। फिर उसके बाद वहां पर प्रहलाद का जन्म हुआ। अब जब प्रहलाद का जन्म हो गया, तो जैसे जैसे प्रहलाद बड़े होते गए, तब वो भगवान विष्णु की पूजा करने लगे। अब इधर हिरण्यकश्यपु भगवान विष्णु को बिल्कुल नहीं पसंद करते थे, वो उनको अपना दुश्मन समझते थे, लेकिन उधर प्रहलाद उतना ही भगवान विष्णु की पूजा करते थे। तो हिरण्यकश्यपु को बहुत खराब लगता था कि मेरा बेटा मेरे दुश्मन की पूजा करता है। तो वो बहुत बहुत ज्यादा एकदम गुस्से में आ जाते थे। तभी उन्होंने अपने गुरुओं को बुलाया, सारे गुरु को, कि गुरु आए और फिर प्रहलाद को समझाएं। उन्होंने प्रहलाद को खूब समझाया, लेकिन प्रहलाद भगवान विष्णु की पूजा करना नहीं बंद करा। उन्होंने वो लगातार पूजा करते रहे, उनके बारे में नमन करते रहे। फिर क्या हुआ कि अब हिरण्यकश्यपु को और गुस्सा आने लगा कि ये तो गुरु की भी बात नहीं मान रहा है। तो फिर उन्होंने क्या किया, प्रहलाद को सांप से कटवाया, हाथी के पैर के नीचे दबवाया, और फिर उनको जेल के अंदर भी बंद कर दिया, उनका खाना पीना बंद कर दिया, सब कुछ किया। उसके बाद भी प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ। वो कहते हैं, प्रहलाद बोलते थे अपने पापा को कि नहीं, भगवान हरि तो हर जगह है और मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, भगवान विष्णु मेरे को बचाते, मेरी रक्षा करते हैं। तो इस तरह से प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ। जब कुछ भी नहीं हुआ, तब हिरण्यकश्यपु को और गुस्सा आया। उन्होंने अपनी बहन सिंघिका को बुलाया। सिंघिका को अग्निदेव ने आशीर्वाद दिया था कि जब भी तुम्हें अपना बचाव करना हो, खुद की रक्षा करना हो, तब तुम मुझे याद करना, तो तुम्हारे चारों तरफ आग की लपटे आ जाएंगे, जिससे तुम अपने आप को बचा सकोगी। ये हिरण्यकश्यपु की बहन को अग्निदेव ने आशीर्वाद दिया था। फिर हिरण्यकश्यपु अपनी बहन को बुलाते, बोलते कि तुम अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर के बैठो, और अब क्योंकि तुम्हें तो अग्निदेव ने आशीर्वाद दिया है, तो प्रहलाद उस आग की लपटों में जल जाएंगे और तुम बच जाओगी। तो हिरण्यकश्यपु की जो बहन थी सिंह का, वो बात मानती हैं और प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठती हैं, और फिर अग्निदेव को याद करने लगती हैं। और जैसे ही वो याद करती हैं, आग की लपटें उठती हैं, तो इधर प्रहलाद जो हैं वो भगवान विष्णु की पूजा करने लगते हैं। कहते हैं अपने बुआ से कि भगवान विष्णु तो हर जगह हैं, चारों तरफ हैं, मुझे तो किसी चीज़ का डर नहीं है। तो ऐसे बोलते हुए भगवान विष्णु की पूजा करने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है कि आग की लपटों से सिंह का जलने लगती है। वो इतना जलने लगते हैं, उनको इतना दर्द होता है कि वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ बचाओ। और फिर उसी टाइम प्रहलाद जो है हंसते हुए बाहर आते हैं, और सिंह का उस आग की लपटों में भस्म हो जाती हैं, जल जाती हैं। ये सब देखकर हिरण्यकश्यपु को और गुस्सा आ जाता है कि मेरी बहन कैसे जल गई और ये प्रहलाद कैसे बच गया। तो वो अग्निदेव को बुलाते हैं कि तुमने कैसा आशीर्वाद दिया था मेरी बहन को कि वो तुम्हारी आग के लपट में जल गई। तब अग्निदेव कहते हैं, मैंने तो आपकी बहन को ये आशीर्वाद दिया था कि इस आशीर्वाद का तुम इस्तेमाल अपनी रक्षा के लिए करना, अपने खुद को बचाने के लिए करना, ना कि दूसरों की बुराई के लिए। अब तुम वो प्रहलाद को जलाना चाहती थी, मारना चाहती थी, तो इसलिए मेरा आशीर्वाद उस समय काम नहीं किया और वो आग की लपटों में जल गई। और फिर इस तरह से उनका सिंह का दहन हुआ और प्रहलाद
बच गए, तो इसीलिए हम लोग मनाते हैं होलिका दहन। अब कहोगी कि सिंह का नाम था बुआ का, तो होलिका क्यों क्यों बोलते हैं हम लोग, होलिका दहन क्यों करते हैं? तो इसके पीछे क्या है, जब होलिका जब सिंह का भस्म हुई तब विष्णु भगवान ये सब देख रहे थे सारा चीज, तो विष्णु भगवान ने कहा कि सिंह का ने अपने वरदान का गलत इस्तेमाल किया। उनको अग्नि देव ने इस्तेमाल करने के लिए क्यों दिया था, क्योंकि वो अपनी रक्षा अपने आप को खुद को बचा सके, लेकिन वो तो दूसरों के लिए वो करने लगी, दूसरों के बुरे काम के लिए, प्रहलाद को वो करने लगी, बुराई के लिए काम करने लगी। तो उन्होंने कहा कि वो उनके मन में खराब चीजें आ गई थी, इसीलिए वो भस्म हुई है। तो अब आगे से इसी चीज को कि लोग अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करें और अच्छाइयां जो है वो निकल कर आए, इसलिए अब आगे से सभी लोग होलिका दहन मनाएंगे। हाँ, और नाम सिंह का नहीं होगा, अब क्या नाम बोला जाएगा, होलिका। अब सिंह का नाम किस नाम से याद रखा जाएगा, होलिका। तो विष्णु भगवान ने सिंह का नाम रखा उस समय होलिका, और सबसे कहा कि अब आने वाले समय में सभी लोग इसे होलिका दहन के नाम से जानेंगे और होलिका दहन करेंगे, बुराई पर अच्छाई की जीत होगी, अपने अंदर की जितनी भी बुराइयां हैं, निगेटिविटी हैं, उन सब को उस जो अग्नि जलेगी उसमें भस्म करेंगे, अपनी बुराइयों को खत्म करेंगे और एक अच्छा इंसान बनकर निकलेंगे। तो इसलिए उसी समय से सिंह का नाम ना होकर के अब क्या हो गया, होलिका दहन। और अब फिर विष्णु भगवान ने ये भी बोला कि क्योंकि प्रहलाद बाहर निकले हैं आग के लपटों से, तो इसलिए खुशियां मनाई जाएंगी उनके बाहर निकलने के लिए, तो लोग एक दूसरे को खुशी में रंग लगाएंगे, अबीर लगाएंगे। तो इसीलिए होलिका दहन के बाद हम लोग एक दूसरे को क्या लगाते हैं, अबीर लगाते हैं, खुशियां मनाते हैं। तो जब भी अब होलिका दहन में हम लोग शामिल हों, आप बच्चे शामिल हों, तो अब आप क्या अंदर आपके अंदर की जितनी भी बुराइयां हों, तो भगवान से हम लोग प्रे करेंगे कि भगवान हमारे अंदर की जितनी भी बुराइयां हों, कमी हों, उन सबको दूर करो और हमें एक अच्छा इंसान बनाओ, समझे? हाँ मम्मा। अब ये है कि होलिका दहन के बाद हम लोग होली में रंग क्यों खेलते हैं, तो इसके पीछे भी एक कहानी है। क्या हुआ, एक बार श्री कृष्ण ने माता यशोदा से बोला कि माता यशोदा मैं तो इतना सांवरा हूँ और राधा इतनी गोरी है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, सब मुझे चिढ़ाते रहते हैं। तब माता यशोदा ने उनसे बोला कि ठीक है, तुम जाओ और राधा को रंग लगा दो, और फिर तुम्हें जिस भी रंग में रंगना है राधा को रंग दो, अपने मन के हिसाब से लगा दो रंग, तो राधा तुम्हारे रंग में रंग जाएंगी। तो फिर वो अपनी माता की बात मानते हैं और श्री कृष्ण बरसाना अगले दिन जाते हैं और वहां पर अपने रंग के हिसाब से राधा मैया को रंग लगाते हैं। तभी से हम लोग होलिका दहन के अगले दिन से होली में रंग खेलने लगे, इसीलिए हम लोग जब होलिका दहन हो जाता तो अगले दिन हम लोग होली खेलते हैं, उसमें रंग एक दूसरे को लगाते हैं। तो ये थी कहानी होलिका दहन की, और होली में रंग हम लोग क्यों खेलते हैं, इसकी कैसी लगी बच्चों आप सबको बताइएगा जरूर। फिर मिलोगे किसी नई कहानी के साथ में, तब तक के लिए बाय, हैप्पी होली।